हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी ऑन ड्यूटी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है और उन्हें अब तक समझ में नहीं आया कि उन्हें कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। आप सबको पता है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ऑलवेज एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। सो अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज नहीं करते हैं एंड कोई भी फेस वॉश यूज कर लेते हैं तो ऐसे में आपको बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और समर है और समर ना भी हो तब भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज करें। अभी आप देख सकते हैं कि मौसम चेंज हो गया है, मानसून आ गया, लेकिन फिर भी गर्मी रहती है, कभी बारिश होती है। ऐसे में आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा डर्ट इकट्ठा हो जाता है और अगर आप अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं तो ये एक्ने पिंपल बहुत ज्यादा आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। सो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। जिनकी स्किन ऑयली नहीं है और इस वीडियो को वॉच करें तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में किसी न किसी की स्किन ऑयली हो तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, जब भी आप शॉपकीपर के पास फेस वॉश परचेज करने के लिए जाते हैं तो अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखाने लगते हैं। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके फ्रंट में जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है आप उसे जरूर एक बार रीड कर लें। सो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी खुद की स्किन ऑयली है और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ तो ये मेरी स्किन के लिए काफी अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आपकी अगर स्किन ऑयली है तो आप कौन सा फेस वॉश यूज करें। सो इसका मैं छोटा सा रिव्यू देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास क्लीन एंड क्लियर के दो फेस वॉश हैं। ये बड़ा वाला, इसकी क्वांटिटी है 150 ml एंड ये छोटा वाला फेस वॉश है, इसकी क्वांटिटी है 20 ml। तो जब भी आप कभी सफर में जाते हैं तो आप एक छोटा सा फेस वॉश जरूर अपने साथ रख लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। ये कम स्पेस लेता है और आप इस फेस वॉश के साथ इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका प्राइस बताती हूँ। इसका प्राइस है 20 rupees। सो ये आपको इजिली जनरल स्टोर में मिल जाएगा, तो इसलिए आपको कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस फेस वॉश की। तो इसकी क्वांटिटी जैसे कि मैंने कहा 150 ml है एंड इसका प्राइस है 165। एंड इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर। सो 3 ईयर तक ये खराब नहीं होगा। सो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इस फेस वॉश को मैंने यूज किया है और यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। सो इसमें अच्छा खासा फोम आता है एंड ओपन पोर्स को ये अच्छे से क्लॉग करता है, जेंटली रिमूव डर्ट, ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है आपके फेस में जो भी ऑयल है, डर्ट है। सो ये फेस वॉश मैं आप लोगों को बता दूं उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनकी स्किन में पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली रहती है उनकी स्किन में एक्ने पिंपल तो होता ही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास क्लीन क्लियर की एक वेरायटी और है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसका छोटा सा रिव्यू देती हूँ। इसकी क्वांटिटी है 100 ml एंड इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर एंड प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 110 rupees। सो मॉर्निंग एनर्जी ऑयल फ्री फेस वॉश है एंड ओपन पोर्स को क्लॉग करता है, नेचुरल बेरी एक्सट्रैक्ट है और आपकी जो डल स्किन है उसे ये ब्राइटन करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ फ्रंट में इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इस फेस वॉश के बारे में। सो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ एक बार फिर से कि जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, सो आप लोग क्लीन क्लियर का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली है और इससे आपकी एक्ने पिंपल की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और जैसा कि मैंने वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो गाइस, आई होप आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।